please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के रोहिणी इलाके में के एक शमशान के बाहर जुटे कई लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और प्रशासन ने बिना जानकारी दिए इनके इलाके के शमशान को सील कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा और शमशान के बाहर जुटकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली प्रशासन हाय हाय। प्रदर्शन के दौरान एक आदमी दिखावटी शव के तौर पर जमीन पर सफेद चादर ओढ़कर लेट गया और बाकी लोग उसके चारों तरफ खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। दादागिरी नहीं चलेगी। हैरानी की बात यह है कि शमशान को सील करने पहुंचे दस्ते ने एक कुत्ते को भी गेट के अंदर बंद कर दिया, जिसे लेकर इलाके के लोगों ने खासी नाराजगी जताई। ये गांव की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, ना इसका कोई नोटिस दिया गया गांव में। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों ने एक दस्तावेज दिखाकर दावा किया कि सरकारी कागजों में भी शमशान को गांव की जमीन पर ही दिखाया गया है। इसलिए लोग शमशान पर ताला लगाए जाने से खासे नाराज दिखे, क्योंकि शमशान के सील होने से लोगों के सामने शवों के अंतिम संस्कार की मुश्किल भी खड़ी हो गई है। और अपनी इस मुश्किल के लिए लोगों ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। ये डीलरों की और पुलिस की मिलीभगत से इसको उन्होंने वो कराया है, सील कराया है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इलाके के प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस से मिलकर जानबूझकर शमशान पर ताला लगवाया, क्योंकि वो शमशान के पास इस जमीन पर फ्लैट बना रहा है। गांव को कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि पैसे ज्यादा थे, गांव से कुछ मिलना नहीं था। फिलहाल घटना से गुस्साए लोग इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में महिला पुलिस की टीम कुछ नकाबपोश लड़कियों को ले जाती दिखाई दी। इन लड़कियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। पुलिस ने 6 लड़कियों समेत कुल 9 आरोपियों को मौके से पकड़ा। आरोप है कि पकड़े गए लोग एक मॉल में मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद सेक्टर 50 की पुलिस ने मसाज पार्लर पर दबिश देकर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। कुल 9 आरोपियों को काबू किया, जिनमें से 6 युवतियां और 3 युवक शामिल हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर इस रैकेट में शामिल बाकी आरोपियों का सुराग लगाने में जुटी है। साथ ही गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी भी कर रही है। पंजाब के फाजिल्का में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2 पाकिस्तानी तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इनके पास से नशे का सामान और हथियार बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक इन दोनों पाकिस्तानी तस्करों को पंजाब के फाजिल्का में BSF की SS वाला आउटपोस्ट से गिरफ्तार किया गया। BSF का दावा है कि पाकिस्तान के कसूर जिले के रहने वाले आरोपी मोहम्मद असलम और मोहम्मद शकील वासी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से 9 पैकेट हेरोइन और 2 पिस्टल मिली हैं, साथ ही 2 मैगजीन, 2 मोबाइल फोन, 3 पाकिस्तानी सिम और पाकिस्तानी पैसे भी बरामद हुए हैं। BSF ने दोनों आरोपियों को आगे की तफ्तीश के लिए पंजाब पुलिस को सौंप दिया। महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना हजारे को मनाने की कोशिश की। 23 मार्च से किसानों के लिए शुरू होने वाले अनशन से पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने रालोगंज सिद्धि जाकर अन्ना हजारे को मनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दावा किया कि 2 साल में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक तैयार हो जाएगा। गोवा की पणजी में खनन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे खनन कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पशुओं से लदे एक ट्रक को रोककर ड्राइवर से मारपीट करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगा है। राजस्थान के भरतपुर में कच्ची शराब के ड्रम निकालने के लिए कुएं में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई। असम के गुवाहाटी में एंटी स्मगलिंग यूनिट ने तेंदुए की खाल और हड्डियों की तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जंगल में फैली आग ने करीब 10 हेक्टेयर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया।